स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज हमारी बायोलॉजी की लास्ट क्लास है। आज हम न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक खरीद रखा है तो प्लीज उसे रिविजन कीजिए अच्छे से। अगर नहीं खरीदा तो खरीद लेना, मात्र 239 रुपीज में है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज जो है कवर कर रखा है। ठीक है, 2021 एडिशन का ही लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही खरीद लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो बॉडी होती है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही पचाती है। क्या मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। बॉडी क्या करेगी, उस कॉम्प्लेक्स पार्ट को उसके सिंपलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करके ही उसको डाइजेस्ट करेगी। सपोज जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैप्टर ही समझ लो, कोई हार्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का ही समझ लो कोई, और आपको उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आप क्या करोगे, उसको सिंपल से सिंपल उसका एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करोगे, उस एक पैराग्राफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकालने की कोशिश करोगे जो कि आपको भी समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में भी उसका महत्व हो। सेम यहीं पर यही होता है कि बॉडी में जब हम कुछ भी खा रहे हैं तो बॉडी क्या करती है, उसका जो सिंपल फॉर्म होता है, उसका जो मिनट फॉर्म होता है, मिनट फॉर्म इन द सेंस कि वो चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है, जैसे हम किस से बने हुए, हम बने हुए सेल से, ठीक है, बट हम ऐसे थोड़ी बोलते कि हम पूरा जो हमारा शरीर है वो काइंड ऑफ देखो ये सेल वन है, सेल टू है, इस तरह से हम कभी नहीं कहते, बट उसका मिनट जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, सेल होता है। उसी तरह से हमारे हर खाने वाली चीज़ का मिनट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मिनट स्ट्रक्चर होता है स्टार्च, उसी तरह से हर एक चीज़ का, जैसे प्रोटीन का होता है अमीनो एसिड, फैट का होता है फैटी एसिड, विटामिन होते हैं अलग, मिनरल्स होते हैं अलग, तो ये सारी चीज़ें मदर नेचर ने हमको इस तरीके से बना रखा है कि भाई तुम कुछ भी ठूस लो, ठूस लो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी तुम ठूस रहे हो उसको मैं सिंपल फॉर्म में करके पूरा आपका सिस्टम सही रखूंगी, इस तरह से, ठीक है। तो न्यूट्रिशन चैप्टर में इतना ही है, सिंपल सी बात है, तो अब वन बाय वन हम देखते हैं। देखो, हमारे एनर्जी सोर्सेज कौन से मैं आपको बताती हूँ। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या विटामिन्स एनर्जी सोर्स है तो आपको नहीं लिखना है, एनर्जी सोर्स नहीं है वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, बट विटामिन्स इज नॉट एनर्जी सोर्स, ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो आप कार्बोहाइड्रेट का पूरा सेंटेंस हम अच्छे से पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर्टिकुलरली स्टार्च, ठीक है, मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कुछ नहीं, ये स्टार्च होता है, बस इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, सिंपल फॉर्मेट कर दिया तो स्टार्च बन जाता है, सिंपल सी बात है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर्टिकुलरली स्टार्च आर फाउंड इन फूड्स सच एज पास्ता, ब्रेड, राइस, पोटैटोज, सीरियल्स, ठीक है, मतलब अनाज में हमको अनाज खाना, मतलब चावल, पोटैटो, इस सब में हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एंड कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे शरीर के लिए। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर ग्लूकोज, ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, और फिर जब हम खाना उसको ले रहे हैं, हम जब इसको इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हम उसको इनटेक करते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, हर चीज़ को छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक डाउन करके ही बॉडी डाइजेस्ट करती है, अदरवाइज बॉडी को इतना बड़ा बड़ा जो भी हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह एकदम कॉम्प्लेक्स अमाउंट खा लेते हैं वो पचाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो उसको क्या करती है बॉडी कि उसको छोटे 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 पोर्शन में ब्रेक डाउन कर लिया, फिर उसको पचा लिया। अब आप मुझे कहना कि आपको 10 चैप्टर इकट्ठा दिमाग में बिठाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो 10 चैप्टर अच्छे से आपके दिमाग में बैठेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, मैं बोल रही हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर होगा क्या, पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर आपने 10 चैप्टर में से एक चैप्टर का एक पोर्शन 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया तो आपके दिमाग में वो सही से जो है बैठ जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही है कि जब आप खाना खाते हो, कुछ भी इंटेक कर रहे हो, तो उसका जो सिंपल फॉर्म होता है उसको बॉडी ब्रेक डाउन कर देती है और उस सिंपल फॉर्म को ही वो डाइजेस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, ठीक है, शुगर।
सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट एज आई सेड अर्लियर. ओके, जटिल कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से स्टार्च, पास्ता, ब्रेड, चावल, आलू और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं. ठीक है, पाचन के दौरान स्टार्च साधारण शर्करा ग्लूकोज में टूट जाता है जो शरीर का मुख्य स्रोत है. ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ना हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि हम जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, सपोज कभी ना ऐसा होता है ना कि पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी, कभी कभी बहुत ही अच्छा टेस्टी सा खाना मम्मी ने अगर बहुत अच्छी खीर बना ली तो एक कटोरी में आपका पेट भर तो जाता है बट आपका दिल नहीं भरता, तो आप क्या करते हो, दो कटोरी पी लेते हो, है ना. तो जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हम जब फूड इनटेक करते हैं हमारे बॉडी के लिए उस जिसकी हमको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है बट एक्स्ट्रा अमाउंट हमने क्या किया, खा लिया, तो वो क्या कहाँ जाकर स्टोर होगा. ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्मेट में ही वो जाकर जो है लीवर में स्टोर हो जाता है. ठीक है, लीवर में स्टोर हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो फैट में स्टोर हो जाता है. तो जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटेक करते हैं खाने का वो फैट और लीवर में जाके, फैट अगर लीवर में चला गया तो ग्लाइकोजेन होकर वो वहाँ पर स्टोर होता है, और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा फैटी एसिड वगैरह खा लिया तो वो फैट में जाकर स्टोर हो जाता है. और जब भी हम स्टार्विंग वगैरह करते हैं, मतलब जैसे फास्टिंग कर दिया, कभी कभी हमको टाइम हो गया कि 11 बजे सुबह खाना खाना था बट 11:30 12 बज चुके हैं फिर भी हम खाना नहीं खा पाए बिकॉज ऑफ सम वर्क और एनीथिंग एल्स, बट तब भी हमारी बॉडी सही से वर्क करती है. क्यों? क्योंकि जो ये स्टोर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड जो हमने पहले ठूसा था वो अब हमें काम आ रहा है, वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन स्टोर था लीवर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये याद रखना है आपको. नेक्स्ट है प्रोटीन. प्रोटीन जो देखो मैं आपको बता दूँ, प्रोटीन कुछ नहीं होता है, ये होते हैं अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड की बहुत बड़ी लंबी चेन बनती है तब जाकर एक प्रोटीन बनता है. तो अमीनो एसिड की कितनी लंबी चेन बनेगी तब जाकर एक प्रोटीन बनेगा, तो 20 अमीनो एसिड की जब चेन बनती है तब जाकर एक प्रोटीन होता है. और जब प्रोटीन हम इनटेक करते, सपोज मैंने सुबह सुबह फिश खाई, ठीक है, तो मैंने फिश खाई तो फिश में प्रोटीन बहुत ज़्यादा था, तो प्रोटीन क्या करेगी मेरी बॉडी, अल्टीमेटली पूरा फिश को नहीं वो डाइजेस्ट कर पाएगी, वो क्या करेगी, उसका जो प्रोटीन उसको मिल रहा है उसको ब्रेक डाउन करेगी अमीनो एसिड्स में और उस अमीनो एसिड को फिर पचाएगी. ठीक है, हमारे जो बाल होते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं, हमारी स्किन भी कभी कभी जो ग्लो वगैरह कर देती है बिकॉज ऑफ प्रोटीन. ठीक है, जो हमारा बाल है कैरेटीन करके जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, हमारे कॉटन में भी एक प्रोटीन पाया जाता है, वूल जो हम उलन होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, सिल्क में प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजन करके. तो इस तरह की जो प्रोटीन कुछ नहीं होता, तो दे आर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, वो एक पूरा चेन बना हुआ होता है अमीनो एसिड का. ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा जोर दे रही हूँ इस चैप्टर पे क्योंकि न्यूट्रिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, तो अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लेना कि प्रोटीन कुछ नहीं होता, ये अमीनो एसिड्स होते हैं. जब 20 अमीनो एसिड मिलते हैं तब जाके एक प्रोटीन बनता है, सिंपल है. ठीक है, अब हम इसका पूरा पढ़ लेते हैं. रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर फिश, मीट, पोल्ट्री, बीन्स. वंस डाइजेस्ट प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विद अमीनो एसिड्स एज आई सेड अर्लियर. दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स आर रिजेंबल बाय सेल्स इनटू डिफरेंट प्रोटीन्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन सच एज एंजाइम्स एंड मैरिड ऑफ अदर रोल्स. ठीक है, ऑफ अदर रोल्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन क्या है, समृद्ध प्रोटीन के समृद्ध सोर्स स्रोत कौन से हैं. मछली इन द सेंस सिर्फ मछली यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मछली से ही हमको प्रोटीन मिलता है, नहीं, हमको जो है सीरियल्स अनाज से भी प्रोटीन मिलता है, जो हम दाल वगैरह खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमको. ठीक है, स्पिरुलिना करके एक अलगी होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन का नंबर आता है. मछली, अंडा ये तो लास्ट लास्ट में आते हैं बट सोयाबीन, मछली से ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मौजूद होता है, ये याद रखना है आपको. ठीक है, अगर प्रोटीन का इंटेक आपने कम कर दिया ना तो फिर आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपके नाखून टूटने लगेंगे, आप लेथर्जिक फील करने लगोगे, उतनी शक्ति नहीं रहेगी आप में. ठीक है, तो प्रोटीन का इंटेक हमेशा करना चाहिए. आपके बॉडी का जितना भी वेट है उसका 10% अमाउंट अप्रॉक्स आपको डेली इंटेक करना चाहिए प्रोटीन का.
ठीक है, कितना 10% अमाउंट, जितना भी आपका वेट है, सपोज आपका वेट 40 kg है, ठीक है, आपका वेट अगर 40 kg है, तो आपने आपके जो डेली इनटेक है आपके खाने का, जो भी आप जितना भी खा रहे हो, उसमें 4 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, 4 ग्राम जो है एटलीस्ट। तो अपने अपने जितना भी आपका वेट है उस हिसाब से आप अपना जो प्रोटीन का इनटेक है वो निकाल लेना, और उस हिसाब से डेली इनटेक करना है आपकी बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसको हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत मछली, मांस, मुर्गी और बीन्स है। एक बार पचने के बाद प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड की आपूर्ति करता है। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कोशिकाओं द्वारा एंजाइम जैसे निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला विभिन्न प्रोटीनों और अन्य भूमिकाओं में असंख्य में पुनः संयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैट्स। देखो, फैट्स यानी वसा, तो फैट्स जो होता है ये बनता है फैटी एसिड से। अब जो हम फैट वगैरह एक्स्ट्रा हम अगर फैट देखते हैं हमारे बॉडी में, फैट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। फैट होना क्यों ज़रूरी होता है? एक तो इससे आपके शरीर को गर्मी मिलती है, ठीक है, शरीर को गर्मी मिलती है। सेकेंडली, आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, आपके स्किन को जितना भी अमाउंट ऑफ जो चीज़ें चाहिए होती है वो फैट प्रोवाइड करता है। अगर आपके बॉडी में फैट नहीं होगा तो वो जो ग्लो होता है, ग्लो जो होता है ना स्किन का, वो मौजूद नहीं होगा, ये याद रखना। तो अगर आप थोड़े से भी हेल्दी है तो ऐसा मत समझना कि आपको वो पूरा इनो कम करना पड़ेगा, एंड इनो स्किनी एकदम से दुबले होना पड़ेगा, तो वो गलत बात है, ठीक। अराउंड BMI के हिसाब से ही आपका वेट रखना है आपको, ठीक है। अगर आपकी हाइट 5 फीट एंड 5 फीट के आसपास है, और अगर आप लड़की हो तो 45 kg इज गुड, ओके। 45 kg ज़्यादा नहीं होता है, 45-46, ठीक है। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा है तो कम कर लेना, बट बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। BMI करके एक गूगल पर आपको मिल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। BMI कैलकुलेटर करना, वहाँ पर कैलकुलेटर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे वो पूछेगा आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, और उस हिसाब से वो आपको एक स्केल प्रोवाइड कर देता है। अगर आपके स्केल नॉर्मल में आ रही है तो बहुत बढ़िया, जैसा वेट है वैसा ही रखो। हाई में आ रही है या फिर लो में आ रही है, समथिंग लाइक दैट, तो आपको फिर वेट वगैरह कम करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मतलब कुछ जो भी वो बता रहा है उस हिसाब से आपको आपका वेट रखना है, BMI के हिसाब से आपको आपका वेट रखना है, ठीक है। हमको कोई मॉडलिंग मॉडलिंग तो करने जानी है नहीं, हमको करना है गवर्नमेंट जॉब। अगर हम हमारी सेहत ही सही नहीं रखेंगे तो कैसे गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। चलो, फैट्स जो क्या होता है, देखो, डेयरी फूड्स, मीट, सीड्स एंड नट्स ऑल सप्लाई फैट्स एज डू वेजिटेबल ऑयल्स। फैट्स इज डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स व्हिच आर यूज एज अ एनर्जी सोर्स एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? फैटी एसिड से बनता है। वो हमको कहाँ से मिलता है? फैट से मिलता है। दे मे बी रीबिल्ड इनटू फैट अंडर द स्किन व्हिच इंसुलेट्स द बॉडी एंड हेल्प्स टू कीप अस वार्म। तो मैंने जैसा कि कहा कि आपके बॉडी को वार्म रखने के लिए, आपके बॉडी को गर्म रखने के लिए फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप कहीं हिली एरिया में चले जाओ, कहीं आप यू नो बर्फीले जगह पर चले जाओ, एंड यू आर लाइक स्किनी समथिंग, मतलब बहुत दुबले बबले हो, आपके अंदर फैट ही नहीं, तो आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी कंपेयर टू द पर्सन हु हैज़ फैट। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों? तो वो एक परत सी जमा देता है स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे एक परत होती है उसकी, तो वो गर्मी इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। डेयरी भोजन, मांस, बीज और मेवे सभी वसा की आपूर्ति करते हैं, जैसे कि वनस्पति तेल करता है। वसा फैटी एसिड में पच जाता है जो ऊर्जा स्रोत के रूप में और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उन्हें त्वचा के नीचे वसा में बनाया जा सकता है जो शरीर को गर्म रखता है और हम गर्म रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है वाटर। देखो, हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई होती है। आज मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जब पढ़ाया था कि RBC एक ड्राइवर की तरह काम करता है जो कि ऑक्सीजन को ले जाने का लाने का काम कर रहा है, ठीक है। बट वाटर क्या होता है? एक पूरी ट्रेन होती है, एक पूरी ट्रेन समझ लो,
पूरी ट्रेन क्या करेगी, सारे हर लोगों को हर जो भी चीज जरूरी है, मतलब जितना भी हमको जरूरी है पैसेंजर मालगाड़ी वगैरह ये सबको लेकर जाने का काम करती है। तो सेम वाटर, ठीक है, वाटर क्या करता है, हर चीज जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट है, कोई विटामिन है, कोई मिनरल्स है, तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बॉडी में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकालने का काम करता है। तो वाटर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का, और दूसरा काम होता है उसका कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने का। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमको दो 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 चीजों की जरूरत होती है, एक होती है फैट्स, दूसरा होता है हमारा वाटर। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम, अराउंड 50 to 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, देयरफॉर दिस अमाउंट शुड ऑलवेज बी मेंटेन इन द बॉडी। ठीक है, वाटर इज द ओनली मीडियम थ्रू विच ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर वेट्स इन द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड। वाटर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडीज टेम्परेचर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना कि हमारे शरीर का लगभग 50 से 70% हिस्सा जो होता है वो पानी से बना हुआ होता है, इसीलिए हमें इस मात्रा को शरीर में हमेशा बरकरार रखना पड़ता है। पानी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से शरीर शरीर में सभी आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, खनिज और अन्य अपिष्ट ले जाया जा सकता है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सिंपल बात है कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन ज़रूरी है, फैट जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, उसी तरह से पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली पानी का इंटेक अच्छा करना चाहिए, मतलब 7-8 ग्लास ऑफ जो भी हमारा बड़ा ग्लास होता है उतना इंटेक आप हमेशा कीजिए प्लीज़। इससे क्या होता है ना कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी भी सही से वर्क करती है, आपका बॉडी टेम्परेचर सही होता है, और बाकी की चीज़ों में जो है जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर बॉडी एनर्जी लगा सकती है। और अगर आपने पानी इंटेक कम किया तो बॉडी का जो भी ज़रूरी काम होता है वो छोड़ के वो क्या करेगी कि इस बॉडी का पानी इंटेक अभी कम कर रही, तो इसको किस तरह से इसका टेम्परेचर बरकरार रखना चाहिए ये सोचते रहेगी, और बॉडी फिर सही से काम नहीं करेगी। इसलिए बॉडी को उसका काम करना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी हमेशा सही से काम करनी चाहिए, तो उसको उतना अमाउंट ऑफ इनपुट दीजिए जो उसको ज़रूरत है, जैसे कि प्रोटीन की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, वो उतना इनटेक दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन प्रोटीन पाउडर ही लेना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। आप छोटे मतलब 4-5 बादाम खा सकते हो नॉर्मली, ठीक है, बादाम नहीं तो पीनट्स खा सकते हो, ठीक है, पीनट्स नहीं तो सोयाबीन खा सकते हो। सोयाबीन तो बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है, बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है इसका प्रोटीन का। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता तो सोयाबीन तो नॉर्मली मिल ही जाता है, तो सोयाबीन खाना, सोयाबड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें आप इंटेक किया कीजिए। ठीक है, पानी हो गया। अब हम देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। देखो विटामिन जो मैंने जस्ट कहा आपको कि विटामिन से एनर्जी वेनर्जी कुछ मिलती नहीं है, बट विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए एक तरह से आपको इम्यूनिटी सिस्टम, आपको डिफेंस का सिस्टम जो कहते हैं ना, एक तरह से समझ लीजिए बॉडी गार्ड होते हैं वो आपके। ठीक है, इस तरह से वो गार्ड करते हैं हर एक फॉरेन जो भी चीज है उससे बचाने के लिए, जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं है उससे बचाने के लिए विटामिन हमेशा काम आते हैं। अब देखना जो कोविड-19 प्लस पॉजिटिव के जो लोग हैं उनको मल्टी विटामिन की टैबलेट दी जा रही है। मल्टी विटामिन की टैबलेट के साथ साथ विटामिन डी की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट, विटामिन ई की टैबलेट दी जा रही है। ऐसा क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज उनकी इम्यून सिस्टम कम हो चुकी है, इसी वजह से उनको कोरोना कैच किया, तो अब उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, उनको विटामिन का इंटेक करना पड़ेगा। सिंपल बात है, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन मिनिट अमाउंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए। देखो विटामिन भी हम ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते, आपके शरीर को वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छा रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में इंटेक करो, उसका भी कुछ परसेंटेज होता है। ठीक है, एंड आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, बिल्ड स्ट्रांग बोन्स एंड मसल्स एंड ऑल्सो प्रमोट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं, हमको इम्यून सिस्टम अच्छी प्रोवाइड करते हैं, हमारी शरीर की शक्ति अच्छी बढ़ाते हैं, सेकेंडली हमको स्ट्रांग बोन्स, हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग करते हैं, मसल्स सही करते हैं, और प्रमोट करते हैं नॉर्मल ग्रोथ, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए इंसान की उतनी ग्रोथ वो प्रमोट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। मोस्ट विटामिन्स आर कम फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विद सम ऑल्सो
फाउंड इन फिश, मीट, डेरी एंड एग्स। अच्छा, फिश में कौन सा विटामिन पाया जाता है अगर आपको पूछा जाए तो? देखो, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। ओके, विटामिन डी पाया जाता है मीट में, डेयरी में, और जो भी एग्स वगैरह इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। मिनरल्स सच एज कैल्शियम आयरन ऑल्सो हेल्प द बॉडी परफॉर्म ऑप्टिमली। ठीक है, मिनरल्स जैसे कि आयरन और कैल्शियम बहुत सारे हैं, सोडियम सॉल्ट वगैरह, ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं, एक्चुअली सोडियम सॉल्ट एक ही, जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को ऑप्टिमली अच्छे से काम करने के लिए। द बेस्ट सोर्स आर वेजिटेबल्स, डेरी, मीट एंड सम फिश। जो नॉन वेजिटेरियन है वो देखो डेयरी प्रोडक्ट्स इंटेक कर सकते, सॉरी जो वेजिटेरियन है वो डेयरी प्रोडक्ट्स इंटेक कर सकते हैं, वेजिटेबल्स इंटेक कर सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग फिश मीट ये खा सकते हैं ना। विटामिन और खनिज कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने, मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं और सामान्य वृद्धि और विकास को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकांश विटामिन ताज़े फल और सब्जियों से आते हैं, कुछ मछली, मांस, डेयरी और अंडे में भी पाए जाते हैं। कैल्शियम और आयरन जैसे खनिज भी शरीर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। सबसे अच्छा स्रोत होता है सब्जियां, डेयरी, मांस और कुछ मछलियां। ओके, अब हम देखते हैं वन बाय वन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उसके सोर्स, और उसके वजह से हमको बॉडी में क्या ऐसा हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज़रूरी है, उसका क्या यूज़ है, एंड अगर वो कम हो जाता है तो हमें किस तरह की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम, अब कैल्शियम हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? हमको मिलेगा ये मिल्क से, चीज़ से, मतलब अल्टीमेटली डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, फिश, मिनरल्स, मिनरल वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा, दूध, पनीर, मछली, खनिज, पानी इत्यादि। अब इसका प्रयोग क्या होता है शरीर में, इसका उपयोग क्या है शरीर में, इसका यूज क्या है? तो डेवलपिंग बोन्स एंड मेंटेनिंग द देयर रिजिडिटी, फॉर्मिंग इंटरसेलुलर सीमेंट एंड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड रेगुलेटिंग नर्व्स एक्साइटेबिलिटी एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, जो हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो किस लिए? कि हमारी हड्डियाँ जो है स्ट्रांग रहनी चाहिए, उनमें रिजिडिटी बरकरार रहनी चाहिए। रिजिडिटी का मतलब होता है कि भाई एज सच इतना स्ट्रांग होना कि किसी भी फोर्स की वजह से, एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, जो भी फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स है उसकी वजह से जो है वो चीज़ ख़राब ना हो जाए। अगर आप थोड़ा सा काइंड ऑफ चलते चलते थोड़ा सा गिर भी जाओ, ठीक है, छोटे बच्चे जब गिर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उनकी हड्डियाँ टूट जाती है, बिल्कुल नहीं, वो क्यों नहीं टूटती? बिकॉज कैल्शियम की वजह से उसको रिजिडिटी मिलती है। ठीक है, हड्डियों का विकास करना और उनकी कठोरता को बनाए रखना, ठीक है, इसको ये कौन करता है? ये करता है कैल्शियम। इंट्रासेलुलर सीमेंट और कोशिका झिल्ली का निर्माण करना और तांत्रिक उत्तेजना और मांसपेशियों को संकुचन को नियंत्रित करना, तो ये किसका काम होता है? ये कैल्शियम का काम होता है। अच्छा, सपोज कैल्शियम कम हो गया तो क्या होगा? तो कैल्शियम कम अगर हो जाता है तो रिकेट्स की बीमारी होती है, मतलब हड्डियां जो है सही से काम नहीं करती। यहाँ पे छोटे बच्चों में ये बीमारी होती है, विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से भी रिकेट्स की बीमारी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को हमेशा जो सुबह की सुहानी धूप होती है उसमें खेलना अलाउ करना चाहिए। ठीक है, एंड दिल्ली में, आई थिंक न्यू दिल्ली में 2018-19 के आसपास एक प्रोग्राम भी चलाया गया था, प्रोजेक्ट धूप करके इस तरह का प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, टोमेटो, लीवर, किडनी, हमारा जो किडनी है, लीवर है, ये आयरन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आयरन का सिंथेसिस करता है, किसी अभी कोई भी अगर हमने इंटेक कर लिया तो उसका आयरन में कन्वर्जन ये कर लेगा। ठीक है, जैसे टोमेटो अगर इंटेक, टोमेटो जो है आयरन का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। तो पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड रेड ब्लड सेल्स, मैंने जैसा कि कहा था कि आरबीसी रेड क्यों होता है या फिर हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्यों रेड होता है, बिकॉज ऑफ आयरन। तो ये क्वेश्चन बनता है, मैंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि भाई ये क्वेश्चन बनता है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों नहीं, क्यों पूछते रहता है पता नहीं, कि हमेशा पूछता है कि हमारे खून का रंग लाल क्यों है, तो बिकॉज ऑफ आयरन आपको लिख लेना है। अगर आयरन नहीं मिला ऑप्शन में तो हीमोग्लोबिन आपको टिक करके आ रहा है। अच्छा, इसकी कमी हो जाए तो
इसकी अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, सर दर्द करने लग जाता है, आप टायर्डनेस फील करते हो, आपको किसी भी काम में यू अच्छा जितना अच्छा नहीं लगता है, आप हमेशा थके हुए रहते हो, लिथार्जिक फील करते हो, ठीक है। इसीलिए ना एनीमिया के लिए आयरन की गोलियां जो है इंटेक करना जरूरी होता है। लड़कियों में स्पेशली एनीमिया का प्रॉब्लम होता है और इसीलिए जो सरकार है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा इसी बात पर जोर देती है कि जो भी एडोलेसेंट गर्ल है, ठीक है, जो भी एडोलेसेंट गर्ल है या मम्मी वगैरह है, उनको किस तरह से एनीमिया कम करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत अनाज वगैरह दिया जाता है, आयरन की गोलियां वगैरह दी जाती है लड़कियों को, ठीक है। एनीमिया का प्रॉब्लम मोस्टली तो लड़कियों में ही होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फरस। फॉस्फरस क्या है? मेनी फूड्स लाइक मिल्क, तो मिल्क जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है फॉस्फरस आपको आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम जरूरी होता है आपकी हड्डियों के लिए, उसी तरह से फॉस्फरस भी जरूरी होता है आपके हड्डियों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ, आपके दांतों के लिए भी फॉस्फरस जरूरी होता है। फ्लोराइड भी जरूरी होता है आपके दांतों के लिए, हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोरिन वगैरह जिसकी फ्लोरिन जरूरी होता है आपके दांतों के लिए। उसी तरह से देखो हड्डियों के लिए कैल्शियम फॉस्फरस दोनों जरूरी, दांतों के लिए फॉस्फरस फ्लोरिन दोनों जरूरी। और अच्छा अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? तो अस्थि मृदुता, ये रिकेट्स का ही एक प्रकार है। ये रिकेट्स जो है एक्चुअली छोटे बच्चों में पाया जाता है, और अगर अडल्ट में फॉस्फरस की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जो कि रिकेट्स का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियां अच्छे से काम नहीं करती है, आपको काइंड ऑफ ऐसा फील होता है जैसे हड्डियां बोन्स जो है हमारी दर्द कर रही है, ठीक है। उतना जो वजन आप पहले उठा सकते थे वो आफ्टर दिस ऑस्टियोमलेशिया नहीं उठा पाते, इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। सोडियम का स्रोत क्या है? सॉल्ट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड रेगुलेट्स इट, ठीक है। ये जो है देखो ये बाह्य कोशिका एक द्रव में उपस्थित होता है और इसे नियंत्रित करता है, ठीक है। किसको नियंत्रित करता है? जो बाह्य कोशिकाएं द्रव होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। सपोज अगर सोडियम की कमी आ जाए तो क्या हो जाता है? क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स मतलब यू नो दर्द होता है बॉडी में ना, पेन शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स होना, अचानक से आपका पैर अकड़ जाना, ठीक है। चलते चलते ही आपको ऐसा लगना कि यार मेरा हाथ अकड़ गया, या फिर यू नो काइंड ऑफ बॉडी का एक पार्ट अकड़ जाना, इसको क्रैम्प्स कहते हैं। एक्सरसाइज करते समय बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसके मुख्य स्रोत क्या है? सी फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आयोडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आयोडीन के कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो गोइटर बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? गोइटर होता है, ये मतलब पूरा गला ऐसे सूज जाता है गोइटर में, ठीक है। नीडेड टू सिंथेसाइज हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन होता है वो सिंथेसाइज करने के लिए हमको आयोडीन की जरूरत होती है। सपोज अगर आयोडीन की मात्रा हमने कम इंटेक की तो गोइटर हो जाता है, ठीक है, गोइटर हो जाता है बिकॉज ऑफ जो थायराइड में हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फिर गोइटर हो जाता है। गोइटर क्या बोल दिया मैंने? नेक्स्ट है फ्लोरिन। फ्लोरिन जो है, फ्लोरीन देखो मैंने जैसे कि कहा कि फ्लोरीन दांतों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि फॉस्फरस दांतों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये हमको कहाँ से हमको फ्लोरीन मिलता है? तो ये हमको पानी से फ्लोरीन का इंटेक होता है, और जो हमारा टूथपेस्ट वगैरह होता है ना वो फ्लोरीन उसमें ऐड किया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? बिल्ड्स अ लेयर अबव एनेमल, तो हमारे जो दांतों के ऊपर जो परत होती है, ठीक है, तामचीनी जिसे कहा जाता है, उस एनिमल के ऊपर जो परत होती है उसको बनाने के लिए हमको फ्लोरीन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर फ्लोरीन की कमी आ जाए तो क्या होगा? हमारे दांत जो है, अच्छा फ्लोरीन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है ना, या फिर कम भी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो फ्लोरीन का एक जो है अमाउंट बरकरार रखना पड़ता है आपको ना। मिनरल वाटर या जो भी वाटर आप इंटेक करते हो उसमें फ्लोरीन पाया जाता है, टूथपेस्ट वगैरह में फ्लोरीन पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि कैन लीड टू टूथ डिके। इसमें क्या होता है? आपके दांत जो है वो उसमें सडन शुरू हो जाती है, काइंड ऑफ कैविटी, जो डेंटल कैविटी कहते हैं हम लोग, वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये। और एक बात एक्चुअली 2016 की बात है ये,
यूएसए के जो वाटर सप्लाई था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें फ्लोरीन का जो मात्रा है, वो जो उसका परसेंटेज ऑफ अमाउंट है, वो बढ़ा दिया गया था, और उसकी वजह से ना छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत ही बड़ा केस था 2016 के टाइम का ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बहुत ही बड़ी न्यूज बन चुकी थी जब तक। और यूएसए जैसा देश अगर ऐसा कर रहा है तो कैसे होगा ना, ऑल इस तरह की जो केस स्टडीज वगैरह आई थी। तो फ्लोरीन की मात्रा हमेशा जो होती है एक फिक्स अमाउंट में होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़, कम हो जाए तो भी गड़बड़, इस तरह से। अब देखते हैं हम विटामिन, हमने देखे हम मिनरल्स, मिनरल्स में हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने देख लिया एनर्जी सोर्स कौन से है। अब हमें देखना है विटामिन। तो विटामिन ए, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर कौन सा विटामिन है जिसको रेटिनॉल कहा जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ए तो आपको याद रखना है, रेटिनॉल की डिफिशियंसी अगर हो जाए, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस की, ठीक है, रतौंधी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप विटामिन ए का इंटेक सही से करें तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम। बट अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो विटामिन ए इंटेक करने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक जेनेटिक बीमारी है, वो आपको आपके क्या कहते हैं एंसेस्टर से मिली हुई है, उससे कुछ आप नहीं कर सकते। विटामिन का इंटेक कर भी लेंगे विटामिन ए का, फिर भी कलर ब्लाइंडनेस कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है B1, थायमिन। थायमिन जो है B1, विटामिन B1 का नाम है, और इसकी कमी से प्रॉब्लम हो जाता है बेरी बेरी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो जाता है बेरी बेरी, ये एक डिफिशियंसी, एक डिजीज का नाम है बेरी बेरी। B2 राइबोफ्लोमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोमिन, इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ, बैड स्किन, स्किन भी खराब होने लगती है। आप देखना है, जब भी आप स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हो एंड आपका अगर स्किन जरा भी प्रॉब्लम है ना, तो वो आपको राइबोफ्लोमिन की गोलियां दे देगा। देखना अच्छे से पढ़ना, राइबोफ्लोमिन की गोलियां दे देगा। अगर आपको खुद से भी ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन थोड़ा सा बैड फील कर रही है, तो एक तो आप विटामिन ई की गोलियों को इंटेक करें, विटामिन ई की गोलियां इंटेक करनी ही चाहिए स्पेशली फॉर स्किन। एटलीस्ट 15 डेज के लिए विटामिन ई का इंटेक करना शुरू कर देना, बट विटामिन ई का इंटेक ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। क्यों? अगर ज़्यादा मात्रा में करोगे ना तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ 15 गोलियाँ लेनी है एक महीने में 15 अगर गोलियाँ ले ली आपने सुबह सुबह डेली एक 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 से, ठीक है, 15 गोलियाँ ले ली, उसके बाद आपको 2-3 महीने का गैप देना है, फिर बाद में जो है विटामिन ई की आप गोलियां ले सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि विटामिन ई की इंटेक करने से आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, आपके बाल बहुत अच्छे हो रहे, तो आप इंटेक करते जाओ, गलत बात हो जाएगी, फिर आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर विटामिन B2 की कमी है तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक है, जो आपकी हाइट वगैरह बढ़ना होगा वो रुक जाएगा। B12 साइनोकोबालोमाइन, ठीक है, साइनोकोबालोमाइन, इसमें क्या होता है, एक्चुअली कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, और ये जो विटामिन है ये आपको एनीमिया से बचाता है, ठीक है, खून की कमी से बचाता है। अगर आपका B12 इंटेक सही है तो आपके आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। अगर बहुत ही ज़्यादा B12 का इंटेक कम है, आप बहुत ही कम खाना खाते हो, जो चीज़ें एक्स्ट्रा अमाउंट में आयरन आपको देती है वो अगर चीज़ें आप नहीं खा रहे हो, जैसे जो रेड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा तरबूज, ठीक है, मछली, ये आयरन का अच्छा स्रोत है, इससे आपको B12 भी मिल जाता है, ठीक है, विटामिन B12 भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको एनीमिया जैसा प्रॉब्लम हो जाता है। सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी ना आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो आपके लिए एक गार्ड की तरह काम करता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी हो जाता है पाजी करके। तो एक्चुअली विटामिन सी, आपने सुना होगा कि विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करो, बस ये कोरोना टाइम में ही बहुत ज़्यादा सुनने को आया है, विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करो, ऑरेंज के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, एकदम आसमान छूने लग गए। विटामिन सी की गोलियों का जो टैबलेट का पूरा एक जो एक मिलता था ना, क्या कहते उसको, टैबलेट, 10 टैबलेट का पत्ता, वो अप्रोक्स 20-30 रुपीज़ में मिलता था। अब उसको पता नहीं इतना प्राइस बढ़ गया, क्यों, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है, और इससे क्या होता है कि आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है। तो आप अभी भी, ठीक है, विटामिन सी का इंटेक सही से करो। विटामिन सी का इंटेक आप ज़्यादा कर सकते हो, पूछो क्यों, क्योंकि ये आपके बॉडी को,
आपके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट भी हो गया ना विटामिन सी का, तो वो आपकी बॉडी यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर फेंक देगी। तो विटामिन सी का इंटेक करना, ज़्यादा मात्रा में करना कोई बुराई नहीं होती है। विटामिन सी का अगर आप इंटेक करोगे, एक तो आपका इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा, सेकेंडली आपकी स्किन बहुत अच्छी से ग्लो करने लगेगी, एंड थर्डली आपको स्कर्वी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, विटामिन डी। आप बोलोगे मैम आप डॉक्टर बन गए हो क्या? नहीं, बस मैं बता रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस से बातें आती है। मैंने विटामिन का इंटेक हमेशा करना चाहिए, एक एटलीस्ट डेली, ठीक है, एटलीस्ट डेली एक ऐसी गोली आपको लेनी चाहिए जो मल्टी विटामिन का आपके लिए काम करे, आपके शरीर के लिए काम करे। ठीक है, मल्टी विटामिन की एक गोली आप डॉक्टर के पास जाना, उनको बताना कि हम विटामिन का इतना इंटेक नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर फूड चॉइस। ठीक है, कोई कोई ना वेजिटेरियन होता है, कोई कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, और कोई कोई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों भी हो, नखरे बहुत होते हैं खाना खाने के। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, करेले की सब्जी नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, इस तरह के जो नखरे होते हैं वो बॉडी बिचारी, तो देखो नखरे उसको सहन करना पड़ता ही है, बट वो बॉडी क्यों सहन करे? ठीक है, काइंड ऑफ थिंग कि बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा आपके नखरों की वजह से। तो अगर आप उसको मल्टीविटामिन की एक पिल दे दोगे, ठीक है, एक पिल दे दोगे तो बॉडी सही से काम करना शुरू करेगी, और डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मल्टीविटामिन की गोली लेनी चाहिए। ऐसा किसी का भी सुन के मल्टीविटामिन की गोली मत ले लेना, कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर को कंसल्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 फीस ले लेगा डॉक्टर, बट वो सही से आपको जो है विटामिन्स की गोलियां लिख कर दे देगा, और उस तरह का आपको इंटेक हमेशा करना है। ठीक है, जब आपका सैलरी वैलरी आने लग जाएगा तब की बात है, अभी फिलहाल माँ बाप के पैसे मत मत वेस्ट करो, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, और अच्छे से खाना खाओ, नखरा मत करो, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। ओके, अच्छा विटामिन सी क्या हो गया, विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सिफेरॉल। क्या कहा जाता है? कैल्सिफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, सूखा रोग होता है, हड्डियाँ जो है प्रॉब्लम करने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन के। अच्छा, विटामिन के प्लेटलेट्स, ठीक है, विटामिन के प्लेटलेट्स जो लीवर प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स, बहुत सारे 13 फैक्टर है जो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, कितने फैक्टर है ये क्वेश्चन बना था एक आई थिंक यूपीएससी 2016 या 15 में क्वेश्चन बना था कि बॉडी में इतने कौन से कितने कितने फैक्टर है जो कि रक्त का थक्का बनाए थे। तो 13 ऐसे फैक्टर है जो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का बनाते हैं। विटामिन के, प्लेटलेट्स, हेप्रिन, फाइब्रिनोजिन, बहुत सारे हैं ऐसे, 13 ऐसे फैक्टर है। ठीक है, आपको पूरा 13 के 13 याद नहीं करने हैं, आपको विटामिन के बारे में पूछेगा, बट अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो इतना याद रखो कि 13 ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का बनाते हैं, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी। ठीक है, अच्छा विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनाइन। क्या है इसका नाम? फाइलोक्विनाइन। डायरेक्ट आपको इनके नाम भी पूछते हैं तो प्लीज आपको ये अच्छे से याद करना है। ओके, और इसकी कमी से क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। जब आपको चोट लग जाती है, और अगर सपोज अगर आपको चोट लग गई और आपका खून बहने लग गया और कंटिन्यूअसली खून बहता गया, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मर जाओगे। ठीक है, आप मर जाओगे, लेकिन मदर नेचर ऐसा चाहती है क्या? बिल्कुल नहीं चाहती। मदर नेचर ने हमको इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि भाई जैसे ही अगर इसको कोई कट लगता है, जानबूझ के कोई कट लग जाता है, ठीक है, मतलब जाने अनजाने में कोई कट लग जाता है, तो वो वहाँ पर खून का एक थक्का बना देता है, रक्त का एक थक्का बना देता है, जिससे कि खून का जो भी ब्लड है उसका एक्सेस फ्लो ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का पूरा चैप्टर। आपने अच्छे से इसको रिवाइज करना है, मैंने वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर। आप चाहो, ठीक है, आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी से इसको कंप्लीट कर देना, अदरवाइज हम जो क्लासेस लेंगे वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आंसर वाली क्लासेस होंगी ना, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। सेकेंडली, आज 26th of May है, 26th of May 2020 को ही एम रेलवे स्टार्ट हुआ था, आज हमें पूरा 1 साल हो रहा है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और 1 साल कैसे बीत गया हमको ही पता नहीं चला, और आप ही की वजह से हम हैं। हम एक्चुअली, आप अगर हमको मोटिवेट नहीं करोगे, आप हमें हमारा वीडियोस वगैरह अगर नहीं देखोगे, तो हम सच बता रहे कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो वीडियोस बना पाएगा। एक्चुअल मोटिवेशन आप लोग होते हो, आप लोगों को लगता है कि हम लोग काइंड ऑफ आपके लिए मोटिवेशन है, नहीं, आप लोग हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको इसी तरह से अच्छे कंटेंट देने का प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू सो मच।